गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी का अपने चैनल अर्बन गार्डनर में वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो हमारी पोर्टू लाका पे होगी। इसे मॉस रोज भी कहा जाता है। ये एक सकुलेंट प्लांट है। तो ये देखिए, ये हमारे समर का प्लांट है। ये देखिए आपके सामने ये पोर्टू लाका के प्लांट्स हैं। मैंने एक बड़े से पॉट में इसे लगा रखे हैं। ये कई सारे अलग अलग कलर्स के इसमें प्लांट लगाए मैंने। इसमें 5 to 6 कलर्स के प्लांट हैं। तो ये देखिए कितने सारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। और ये आपको थोड़ा बुशी सा लग रहा होगा, भरा भरा प्लांट लग रहे होंगे सारे। तो मैं आज यही बताऊंगा आपको कि अपने प्लांट को आप बुशी कैसे बनाएं, उसे भरा हुआ कैसे बनाएं। तो ये देखिए आपके पास, ये आप देख रहे होंगे कि ये एक ये पॉट में और यहाँ पर एक पॉट में ये प्लांट है। तो ये भी सेम एज के हैं लेकिन ये भरे हुए नहीं हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि इसे आप कैसे बुशी बनाएँ। तो ये देखिए, हम ये दो प्लांट ले लेते हैं यहाँ पे। तो आपको ये करना है कि ये जो यहाँ से आपको ये स्टेम इसकी तोड़ देनी है। ये देखिए, शुरू में आपको तोड़ते हुए बुरा लगेगा लेकिन आप अगर ये करेंगे तो आप एक वीक के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। आपका जो पूरा प्लांट है वो बिल्कुल भरा हुआ हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। तो इसके साथ भी हम यही करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो हमने इसे अच्छे से, ये देखिए, ये सारी जितनी भी स्टेम्स थी हमने बड़ी बड़ी वो अलग कर दी हैं। ये देखिए, तो अब इससे क्या हुआ कि जो नीचे से स्टेम्स में नई ग्रोथ होगी और वो धीरे धीरे, जैसे हमने यहाँ से ये तोड़ा है तो नीचे से 3-4 स्टेम्स इसमें नई निकलेंगी और धीरे धीरे प्लांट को भर देंगी। ये देखिए पूरा भर जाएगा। जैसे ये देखिए, हमारा ये प्लांट भर चुके हैं सारे, देखिए। और जो हमने ये तोड़े हैं आप इन्हें एज ए कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने एक ये प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया है। तो इसमें हमने जो मिक्स लिया है वो, इसमें हमने सैंड ली है, इसमें हमने कोको पीट भी ऐड किया हुआ है और नॉर्मल गार्डन सॉइल है। ये देखिए, हम इसमें बस, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसमें थोड़ा सा करीब 1/2 इंच इसमें सॉइल में से लगा देना है। ये देखिए अंदर, और ये कुछ ही दिनों में आपका ये कटिंग जो है ग्रो हो जाएंगी। ये देखिए, इससे क्या होगा कि जो आपने जो स्टेम तोड़ी हैं वो भी आपकी वेस्ट नहीं जाएंगी, वो भी नए प्लांट बन जाएंगे। हम सबको ऐसे लगा देंगे और कुछ दिन बाद ये देखिए ऐसे हो जाएंगे। ये मैंने कटिंग से लगाई थी, ये करीब 5 कटिंग है। तो ये देखिए, इसमें आज मॉर्निंग में करीब 9-10 बजे के करीब इसमें फ्लावर्स भी खिले थे। तो अभी करीब 2 बज रहे हैं। तो मैं आज मॉर्निंग में, मुझे काम था, संडे का दिन ही मिलता है हमें अपने घर के काम करने के लिए, तो मैं आज सुबह ही वीडियो नहीं बना पाया। ये देखिए, तो आपको कटिंग में ये ध्यान रखना है कि जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए और इसे आप शेड वाले एरिया में रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। जो आपके मैच्योर प्लांट्स हैं जिसमें अच्छे से रूट सिस्टम बन चुका है, उन्हें आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। अगर आप इन्हें शेड में रखेंगे तो एक भी फ्लावर नहीं आएगा, इनमें प्लांट बढ़ेगा लेकिन फ्लावर नहीं आएगा। ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है इसमें करीब आज मॉर्निंग में करीब 100 to 150 फ्लावर्स आए थे इसमें, और ये बिल्कुल मैंने डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है। मैं इसकी जो सॉइल होती है वो हमेशा मॉइस्ट रखता हूँ। ये देखिए, तो आपको भी यही करना है और ऐसे ही आपके अच्छे अच्छे प्लांट्स फ्लावर्स इसमें लगते रहेंगे। तो होप करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल अर्बन गार्डनर को सब्सक्राइब कीजिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए और ऐसे अच्छे अच्छे प्लांट्स अपने गार्डन में लगाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।